तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग देख रहे हैं और मैं टिप्स चैनल और मैं आपके साथ हूँ राजेश। तो गाइस आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले गाइस, आप आपका वीडियो पर कोई कॉपीराइट क्लेम और कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आए तो आप कैसे जान सकते हैं कि आपका वीडियो पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक और क्लेम आया है। तो गाइस आज की इस वीडियो में आप लोग फुल बताने वाले कि गाइस कॉपीराइट स्ट्राइक और क्लेम आपका वीडियो में आया है कि नहीं आया है, आप कैसे देख सकते हैं और उसको भी आप हटा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस लोगों को बताऊंगा कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो गाइस आप लोगों को इसके लिए चला जाना है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो मैं अभी तक हमारा मोबाइल स्क्रीन जो है वहाँ चला जाता हूँ। तो गाइस मैं चलाया हूँ अपना मोबाइल स्क्रीन पर। इसके बाद आप लोगों को चीजें चले रहे हैं कि क्रोम ब्राउजर पर। तो मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा जो क्रोम ब्राउजर है वो अभी तक ओपन हो चुकी है। तो गाइस आप लोगों को यहाँ पर जो करना है, आपको थ्री डॉट वाली ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करके इसको डेस्कटॉप सेट कर लेना है। सो मैं इसको डेस्कटॉप सेट कर लिया हूँ। एंड इसके बाद आपको चले जाना है यूट्यूब पर। आपके पास इस टाइप का कुछ यूट्यूब नहीं है तो आपको सर्च कर लीजिए www.youtube.com। तो मैं अभी तक हमारा जो यूट्यूब का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करके यूट्यूब पर चले जाती हूँ। सो गाइस अभी तक देख सकते हैं कि हमारा जो यूट्यूब का पेज है वो ओपन हो चुकी है। तो गाइस आपको जो करना है, आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कि आपको यूट्यूब का जो चैनल है लोगो है वहाँ पर क्लिक करके आपका यूट्यूब चैनल पर क्लिक करके अपने चैनल पर चला जाना है आपको। सो गाइस मैं अपना चैनल पर चला आया हूँ। यहाँ से आपको जो करना है कस्टमर चैनल को क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको कंटिन्यू स्टूडियो पर क्लिक करना है। सो गाइस इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। एंड इसके बाद आपको जो करना है, आपको चलाना है वीडियो वाली जो ऑप्शन है, आप लोगों को सेकंड वाली ऑप्शन जो मिल जाएगा वीडियो, तो गाइस इसको क्लिक करना है आपको। सो गाइस वीडियो पर क्लिक करने के बाद आप लोग जो वीडियो को अपलोड किया है आपके चैनल से उस वीडियो को यहाँ पर शो हो जाएगा। एंड इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि विजिबिलिटी पब्लिक्स क्या पब्लिक्स नहीं किया है उस वीडियो का। सो आप सब कुछ आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल जाएगा। एंड इसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम और नान आप लोगों को देखने को मिल जाए। जैसे कि आप जिस आपका वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आए तो आपको इस टाइप का देखने को हो जाएगा, पब्लिक के पास आप लोग को दिखेगा कॉपीराइट क्लेम इस टाइप का। और जिस वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आया है उस वीडियो पर आपको नाम देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इसको आप कैसे हटा सकते हैं, इसलिए आप लोगों को मैं एक वीडियो बनाकर नेक्स्ट वीडियो पर आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप कॉपीराइट क्लेम को कैसे हटा सकते हैं आपकी वीडियो से। तो गाइस आज के लिए वीडियो इतना ही है। आप यहाँ से आप देख सकते हैं आपका वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम और स्ट्राइक कैसे आए हैं नहीं है। तो गाइस आप लोगों को और एक वीडियो में बता देती हूँ कि गाइस कॉपीराइट क्लेम और स्ट्राइक दो चीज अलग अलग होती है। कि आप लोग इस कॉपीराइट स्ट्राइक और क्लेम के बारे में नहीं जानते तो एक कॉमेंट कर दीजिए हमारा वीडियो पर। और आपके लिए इस वीडियो भी मैं लेकर आऊँगा हमारे चैनल से कि कॉपीराइट क्लेम और स्ट्राइक क्या होती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही है। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और चाहे तो हमारे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नई कुछ लेकर। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जिंदाबाद।